हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनिता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे इन दो पाम्स के प्लांट्स के बारे में। ये जो दो प्लांट्स है ना, मैंने इनको बकेट में पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है और इनको रखे हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। तो मैंने इनको क्यों रखा पानी में, वो मेरी एक मजबूरी थी। एक्चुअली 1-2 महीने पहले जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी आंधी आई थी, तो गमले टूट गए गिर के। अब मैं इनको फेंकना नहीं चाहती थी और मेरे पास कोई दूसरे पॉट्स भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको पानी के अंदर डाल के रखते हैं। तो मैंने पानी के अंदर डाल के रखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत अच्छे से चल पड़े हैं और बाकी इनकी जो ये जो रूट्स हैं ना, वाइट कलर के, आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं और नए रूट्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो एक तो मुझे इस बात से ये पता चला कि पाम का पौधा अगर आपका गमला टूट जाता है तो आप उसको परेशान मत होइए, पानी के अंदर डाल के रख दीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और ये काफ़ी हेल्दीली, अब ये दूसरा वाला है ये भी काफ़ी अच्छे से है, यहाँ पर हेल्दी है और पत्ते भी काफ़ी ग्रीन है, मीन्स ये बिल्कुल ही अच्छे हैं। तो अब मैं इनको क्या करना चाहती हूँ कि ये काफ़ी बड़े, इसके रूट्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो मैं इनको जो है ना बड़ा पॉट नहीं देना चाहती क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो मैं अब इनको क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये 2 ग्रो बैग्स हैं, खाली हैं, ये 12 इंच के ग्रो बैग्स हैं, तो मैं इनको इनमें लगा दूँगी। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर ये ग्रो बैग के अंदर जो है, मैं जो मिट्टी थी ना, ये वेल ड्रेन एक्चुअली ऑलरेडी इसमें थी मिट्टी, तो मैंने इसको कम कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको बीच में रख देती हूँ और यही वाली मिट्टी जो है मैं इसमें भर देती हूँ। ये वेल ड्रेन सॉइल है, काफ़ी अच्छा मिक्सचर है ये, तो इससे मैं इसको फिल कर देती हूँ। बस इसको मैंने मिट्टी से भर दिया है और अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ से दबा भी दिया है। ज़्यादा नहीं भरूँगी, पौना पौना भरूँगी, इतना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसको हैंडलिंग के लिए भी मुझे स्पेस चाहिए ना। और अब ये मैंने इंडोर रखना है एक्चुअली, लेकिन शुरू में जो है लगभग मैं 10-12 दिन तक इसको मैं शेड में रखूँगी, बाहर ही रखूँगी। उसके बाद मेरे पास एक ये प्लांटर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास ये सिरेमिक का प्लांटर है, तो मैं इसको इसके अंदर रखूँगी। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा अब ये एक इंडोर प्लांट तैयार हो गया है, अब इसको मैं अंदर रख सकती हूँ। ये ग्रो बैग अंदर रखते हुए अच्छा नहीं लगता, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं सिरेमिक के अंदर इसको रख दूँगी पॉट के अंदर, तो ये घर को भी ब्यूटीफाई करेगा और साथ में प्लांट भी जो है सिक्योर रहेगा इसके अंदर। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला है ना, इसको भी मैं ग्रो बैग में ही लगाऊँगी और एक और दूसरा मेरा प्लांटर है सिरेमिक का, उसके अंदर डाल के इसको भी मैं अंदर ही रखूँगी इंडोर। तो वेट करते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, मैं आपसे बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैंने ट्रिक थोड़ी सी अपनाई है, तो आप भी जो है अगर आप अपने घर में गमलों का वेट नहीं डालना चाहते टेरेस में, या गमले वैसे भी शिफ्टिंग करना मुश्किल होता है अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप ग्रो बैग्स में जो है अपने प्लांट्स अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं।